हेलो फ्रेंड्स, आज है न्यू ईयर का सेकेंड डे यानी कि 2 जनवरी 2021। हमारे चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। होप आप सब अच्छे हैं, और जैसे कि कल भी विश किया था, आज फिर से एक बार विश है कि हम सब के लिए, आप सब के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए न्यू ईयर बहुत बहुत अच्छा रहे और सारा साल अच्छा रहे हम सब के लिए। तो हमारे इधर सुबह से ही आज बारिश हो रही है। पहले थोड़ी तेज़ थी, अब थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कम बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हो रही है। तो श्योर है कि कहीं ना कहीं अपर एरियाज़ ऑफ हिमाचल जो हैं उनमें फिर से फ्रेश स्नोफॉल हुई है, और ठंड को बढ़ाने के लिए मतलब काफ़ी है, मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हो गई है बोन चिलिंग, पूरी की पूरी ठंड। तो अभी बजे हैं सुबह के 8, तो ठंड तो काफ़ी है और काम तो इसी ठंड में करने हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि इसी ठंड में, इन्हीं बारिशों में, इसी फॉग में हम पिछले सालों में जब स्कूल जाते थे तो सब काम चलते थे, और आज ऐसा सोच के ही ठंड और ज़्यादा ज़्यादा लगने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना पानी, एक गिलास पानी में मिक्स करके रखा है हमने साबुत धनिया, जीरा और सौंफ, मीठी वाली सौंफ। तो इसको हमें रात को हमने भिगो दिया था ये, और अब हम इसको करेंगे बॉयल पानी में, और फिर जो है हम हस्बैंड और मैं इसको पियेंगे। तो इसके होते ना जो बहुत ज़्यादा, बाबा रामदेव रोज़ सुबह कहते हैं, हस्बैंड जब देखते हैं उनको लाइव, तो कि इस पानी का ना हमारे डाइजेशन पे, इम्यून पे, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो घर में ही, मतलब किचन के अंदर ही, हमारी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ वाली जो चीज़ें होती हैं ना, तो उनका यूज़ बॉडी को करते रहना चाहिए। साथ में यहाँ पर है थोड़ी सी मलाई इकट्ठी जो हो रखी है, फ्रिज से निकाल ली अभी मैंने, तो अभी इतनी सी ही है, इसका निकालूंगी आज मैं मक्खन, और वो खाएंगे साग के साथ, गाएंगे मक्की की रोटी के साथ साग, लस्सी, और आज खाएंगे मक्खन दोपहर में। तो सुबह के चल रहे हैं काम धीरे धीरे, लेकिन जो बारिश है वो हल्की हल्की लग ही रही है, अभी भी लग रही है। तो कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम मुझे अभी करने हैं, और जो ठंड की वजह से, पता है ये जो बेचारे प्राणी हैं, ये आ जाते हैं हमारे इधर बरांडे में आ जाते हैं, तो इनको पता है इनको आसरा मिल जाएगा, तो दरी में बैठे हुए ठंड से छुपने के लिए आए रहते हैं बेचारे। तो बारिश तो अभी भी लग रखी है। इतने दिन क्यों नहीं आए, इतने दिन क्यों नहीं आए? हाथ टूट गया था। किसका हाथ टूट गया? कैसे? गिर गया था। अच्छा, लॉकडाउन था जब सब कुछ बंद था, तो तुम गांव में गए थे? पापा, नहीं तू छिलके कैसे बिखेर रहा है, ऐसे नहीं बिखेरते बेटा, एक जगह रखो फिर उसमें डाल देंगे डस्टबिन। चल उसको भी उठा, चल फिर। जो छोटी बहन है तुम्हारी, ठीक है? हाँ, ठंड तो नहीं लग रही? शूज अच्छे हैं? खाना खाया सुबह से? घर से खा के चले थे? बस में आए? अब क्या खाना है? टॉफी खानी है? हाँ, टॉफी नहीं खाएगा क्यों? अब देख तू फिर उधर फेंक रहा है, छिलके वहां एक जगह रख अपने, ले चाय साथ खा लो। फिर गांव में रही इतने दिन? हाँ। लॉकडाउन में? मेरा हाथ टूट गया था। हाँ। कैसे तो फ्रेंड्स, अब 12:30 बज गए हैं दिन के, और अभी चला है लंच का काम शुरू। सबसे पहले मैं मक्खन निकाल के रख लूँगी, तो विपर में डालेंगे,
और 2 मिनट में ही हमारा मक्खन जो है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ही है और बच्चों के खाने के काम आ जाएगा अभी ये। तो ये जो पीछे में लेडी से बात कर रही थी ना, ये शनिवार को आती है हमारे इधर, मतलब हमारे गांव में, और मांगती है, तेल वगैरह ले जाती है सबसे, तो इसका गुजारा अच्छा हो जाता है। हस्बैंड भी है, बच्चे भी हैं। तो लॉकडाउन में ये बिल्कुल नहीं दिखी जब से हम घर में हैं। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि ये लोग कहाँ गए और इनका गुजारा कैसे चलता है, क्योंकि ना बसेज है ना कुछ और है, आने जाने का साधन नहीं है। तो इन लोगों को तो बस ये ऐसा है कि डेली जाएंगे, डेली अपने लिए खाना कमा के ही लाएंगे। तो मुझे बहुत कई बार टेंशन होती थी। तो आज बहुत दिनों बाद ये दिखी है तो पता चला, तो इससे मैं बात कर रही थी। ये है हमारा साग जो मैंने कल रात ही उबाल के रख लिया था। इसमें है पालक और साग, सरसों का साग और पालक है। यह सब मेथी नहीं डाली, कुछ और भी पत्ते नहीं डाले, हस्बैंड को ये सिंपल ही अच्छा लगता है। तो उबाल लिया है मैंने इसमें क्या क्या डाल करके। इसमें मैंने डाला था नमक, मेथी दाना आधा चम्मच और साथ में हल्दी, बस। और अब उबलने के बाद हो गया था, उबल गया था अभी ये। अब मैंने थोड़ा सा इसको दोबारा गर्म किया है और डाले हैं 2 बड़े चम्मच जो होता है हमारा मक्की का आटा, और अच्छे से मैश कर लिया है, कड़छी के साथ भी कर लिया। फिर जो बाकी कसर इसमें बची थी उसको मैंने, जो पोटैटो मैशर होता है उसके साथ भी कर लिया है। तो बहुत अच्छे से मैश होगा, जितना मक्की का आटा इसको गाढ़ा भी करेगा और जो है वो इसकी जो कंसिस्टेंसी को भी ठीक करेगा। तो साथ में ये तड़के का सामान किया है, 2 चम्मच बड़े तेल के लेकर के पैन में डाला, उसमें मैंने मेथी डाला है बीच में, और 1 चम्मच जीरा, और खूब सारा अदरक लहसुन, थोड़ा सा ही था, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा पड़ता है इसमें, लेकिन थोड़ा था तो थोड़ा डाल लिया है, और साथ में हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते जो होता है ना साग, मतलब सिंपल ये गाँव का खाना है, पत्तेदार सब्जियाँ हैं गाँव का खाना। तो जितना सिंपल गांव की लोगों का रहन सहन होता है, तो ये साग जो होता है उतना ही सिंपलिसिटी से बनता है, कोई मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा भुनेंगे हम ये सबको। और अदरक और लहसुन जाता है हमेशा ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसको भुनेंगे, पहले मैं इसमें डालती थी टमाटर भी, अब मैंने बंद कर दिया है। और साथ में इधर अमूल्य हैं, वो तैयार कर रहे हैं लस्सी पापा के लिए और अपने लिए, क्योंकि लस्सी तो मस्त है जब साग और मक्की की रोटी बनेगी। और अब मैंने जो साग के जो था तड़का तैयार हो रहा था, उसमें सिर्फ डाला है थोड़ी सी और हल्दी, और साथ में धनिया पाउडर 1 चम्मच, और जो घुटा हुआ साग था उसको मैंने डाल दिया है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी खाना हमारा हो जाएगा तैयार। और अच्छे से अब जो सारी की सारी मसाला था उसको मैंने साग में मिक्स कर दूँगी, तो सुंदर कलर भी अच्छा, टेस्ट भी अच्छा, और जल्दी से बन भी गया। और साथ में सर्दियों का तो खाना है ही है। तो हमारी हो गई है लंच की थाली तैयार। तो मक्की की रोटी इतनी ज़्यादा गर्म थी कि जब तक उसमें डाला मक्खन तब तक वो हो गया मेल्ट, जब तक कैमरा ऑन किया। और साथ में साग में भी मक्खन डाला है, और मूली का अचार, लस्सी का गिलास, और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 4:00 और अभी तो है, मतलब बीच में थोड़ी सी ही देर कहीं बारिश रुकी है, पर इतनी आज खूब बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, और इतना ठंडा मौसम है कि बर्तन बर्तन साफ़ करते टाइम इतनी ठंड लग रही थी कि पूछो मत। तो अभी मैं सारा काम फिनिश किया, उसके बाद थोड़े से हीटर में थोड़ा सा हीट किया है हीटर के साथ, और फिर बनाई है अपने लिए ग्रीन टी। तो अब थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद शाम का काम हम शुरू करेंगे, और बीच में थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का काम करेंगे बच्चों के साथ। तो अब आज का मेन क्या है कि आज मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरे साथ ही कुलीग हैं और फ्रेंड भी हैं बहुत अच्छी मेरी, रेनू मैम। तो उनका है आज हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो रेनू मैम, इसी व्लॉग के थ्रू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत सारी ढेरों ढेरों बहुत सारी विशेज आपके लिए, और नया साल भी है, हैप्पी बर्थडे भी है आपका। तो इस नए साल में यू एंजॉय अ लॉट, बहुत अच्छा रहे आपका साल, और आपको सब खुशियाँ भगवान दे। और अभी मैं इसी ब्लॉग में आपके साथ रेनू मैम की जो हमारी पुरानी मेमोरीज हैं कुछ स्कूल की, वो शेयर करूंगी। रेनू मैम, ये आपकी बर्थडे के लिए स्पेशल है मेरी तरफ से, हमारी गोल्डन ओल्डीज होंगी ये आज के लिए। और साथ में साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और साथ ही साथ रेनू मैम, आपके लिए एक छोटी सी शायरी आपके बर्थडे के लिए स्पेशल, इसके बाद ब्लॉग हो जाएगा एंड। थैंक यू वेरी मच सबको हमारा ब्लॉग देखने के लिए। तो उससे पहले एक छोटी सी शायरी रेनू मैम के लिए स्पेशल ऑन हर बर्थडे। एक दुआ मांगते हैं हम भगवान से,
चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हों आपकी और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। वाह 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 वाह। थैंक यू।